नमस्कार दोस्तों एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जयसवाल आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल आज के इस वीडियो के माध्यम से ऐसे सी एस सी जिन्होंने आधार यू के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है उनको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूं गैजेट्स अपडेट हिंदी डॉट कॉम के माध्यम से नीचे आप लोगों को स्क्रोल डाउन कर लेना होगा यहाँ पर सी आधार इनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड सी एस आधार ओपन आप डेट आप लोगों को इस लिंक पे क्लिक कर लेना होगा जैसे आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है यहाँ पे लगभग सभी का आधार क्रेडेंशियल फ़ाइल बन के तैयार हो गया है लेकिन अब मशीन रजिस्टर करने की बात है और सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करेंगे और क्रेडेंशियल फाइल या फिर मास्टर डेटा या फिर जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कैसे उन्हें आप लोगों को डाउनलोड करना है इसके संबंधित मैं एक आर्टिकल भी दिया हूँ इस आर्टिकल पोस्ट को आप लोगों को विस्तारपूर्वक देखना चाहिए इसके अलावा यहाँ पर समस्या आ रही थी आधार स्टैटिक्स आई को लेकर वहीं एक और समस्या आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी सेंटर खोलने के लिए वेरीफायर का डॉक्यूमेंट्स वेरीफायर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आप लोगों को देना होगा ताकि आपकी मस्जिद रजिस्टर हो पाए इसी के संबंधित यहाँ पे मैं पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ अगर मान लीजिए आपके एरिए में ब्रॉडबैंड स्टैटिक्स आई वाला कनेक्शन हो गया है तो तो आप लोग इसके संबंधित अपने जो भी अधिकारी हैं जिन जहाँ से आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनको सबमिट कर दें ताकि आपका मशीन रजिस्टर हो जाए इसके अलावा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इसी पेज में तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के लिंक भी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आधार के संबंधित लिंक मिल जाएंगे लेकिन अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है मैं आपको यहाँ पर अभी अपडेट कर देता हूँ और लिंक भी यहाँ पर मुझे मिल गई है मैं सॉफ़्टवेयर को डाउनलोड भी कर लिया हूँ इसके अलावा मास्टर डेटा यूजर क्रेडेंशियल फाइल यहाँ से मिल जाएगी रजिस्ट्रार डिटेल फाइल और नेम डिक्शनरी फाइल यहाँ से आपको मिल जाएगी अब बात आती है स्टेक्टिकाइफी के लिए तो अभी आप लोग वेट कीजिए जैसे ही इस पर कुछ नोटिफिकेशन आता है कि कुछ छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो अब आने वाले समय को में ही मालूम चलेगा लेकिन यहाँ पे वेरीफायर डिटेल भी आप लोगों को देना होगा यहाँ पे देखेंगे आधार सेंटर वेरीफायर डॉक्यूमेंट्स डिटेल तो यहाँ पे बताया गया है खोलने के लिए आप लोगों को वेरीफायर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी अगर आप पहले इस अगर आप पहले आधार यू में काम किए होंगे या फिर आधार इनरोलमेंट सेंटर खोले होंगे तो उस समय भी आप लोगों को वेरीफायर की डिटेल देनी होती है जो भी सरकारी कर्मचारी सी ग्रुप से ऊपर के रिटायरमेंट हो सेवानिवृत्त हो उनके वेरी उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आप लोग सेंटर खोल पाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिटायरमेंट के पेपर आधार कार्ड की कॉपी वेरीफायर का बायोडाटा एक फ़ोटो मशीन रजिस्ट्रेशन मशीन रजिस्ट्रेशन करते वक्त देना अनिवार्य है उसके अलावा बायोडाटा में वेरीफायर का नाम पिता का नाम सेवानिवृत्ति पद पर कौन सा पद है इसके अलावा जन्मतिथि और वेरीफायर का पूरा पता आप लोगों को देना होगा साथ ही साथ आपको एक मोहर भी बनवानी होगी जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स फिलअप करेंगे ऑफलाइन बेस पे उस पर मोहर होना चाहिए वेरीफायर का उसके बाद ही आप लोग ऑनलाइन करेंगे इसके अलावा हार्डवेयर में आप लोगों को पता होगा सिंगल फिंगरप्रिंट प्रिंट आयरिस स्कैनर और जी डिवाइस कलर प्रिंटर सेंटर पर कैमरा लगा होना चाहिए ये रिक्वायरमेंट है इसके अलावा लैपटॉप के संबंधित यहाँ पर रिक्वायरमेंट मैंने दे दी है आप लोग एक बार इसे देख सकते हैं इसके अलावा ये भी है यहाँ पे ये भी रिक्वायरमेंट आप लोग देख सकते हैं व्हील चेयर सेंटर पर टॉयलेट की व्यवस्था सेंटर पर टोकर मशीन की व्यवस्था इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी जानकारी दी गई है आप लोग नीचे स्कोर डाउन करके देख सकते हैं अब बताती है कि क्या आपका मशीन रजिस्टर हो गया तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए लेकिन अगर आपका क्रेडेंशियल फाइल बन गया है और समस्या स्टैटिक्स आईपी पे आकर रुक जा रही है तो भी आप लोग कमेंट करके बताइए जितना ही अधिक संख्या में आप लोग कमेंट करेंगे अपनी समस्याएं को अपनी सभी समस्याओं को रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा ताकि एक आंकड़ा मिल सके कि कितने लोगों को अभी भी स्टैटिक्स आई को लेकर समस्या है और रही बात वेरीफायर डॉक्यूमेंट्स डिटेल की तो उसकी समस्या का समाधान हो ही जाएगा उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि हर एक ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो सी और डी ग्रुप में किसी भी जॉब पे या फिर किसी भी पद पे काम करते होंगे और उनका रिटायरमेंट हो गया होगा तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे वे तो मिल जाएंगे लेकिन ये स्टैटिक्स आईपी वाली समस्या बनी हुई है तो आप लोगों कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या आपकी समाधान हो गया है इस टैक्सी से आई पी वाला कनेक्शन मिल गया है या फिर कनेक्शन के लिए आवेदन किए हैं ताकि कुछ आंकड़े मुझे भी मिल जाए इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अगर आपका मशीन रजिस्टर हो गया है तो क्या आप उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं या नहीं किए हैं ये भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं इसके अलावा गैजेट्स अपडेट हिंदी डॉट कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार अपडेट आते रहते हैं तो आप लोग इस पेज पे हमेशा बन रही है और वहीं नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फेसबुक पेज मिलेगा जो कि ऑफिशियल है इसे आप लोग जरूर लाइक करें तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेलाइकन को ज़रूर दबाएँ सो थैंक्स जय हिंद वंदे मातरम